चलो बच्चे करो शुरू। हमारी सेकंड स्लाइड में एक डायग्राम है जिसमें स्टार शेप है। एक स्टार हमारा ब्लू कलर में, एक स्टार हमारा रेड कलर में है। जो ब्लू, पहले हम ब्लू ट्रायंगल की बात करेंगे। ब्लू ट्रायंगल बेसिकली स्टैंड्स फॉर द टीचर, पर वो टीचर कैसे कैसे सिंबलाइज कर रही है वो हर एक कॉर्नर में है। एक कॉर्नर में है टीचर एज अ इंडिविजुअल, कि वो एज अ इंडिविजुअल क्या रोल प्ले करती है ESD के लिए। नेक्स्ट आता है उसका इन सोसाइटी, इंडिविजुअल है एट द सिंगुलर लेवल, फिर वो लेवल थोड़ा सा इंक्रीज होता है जैसे हम स्टेप्स चढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा सोसाइटी, कि टीचर का सोसाइटी में क्या रोल है ESD को लेके। नेक्स्ट हमारा आता है एक लेवल और ऊपर, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे होता है। इंस्टीट्यूशन के थ्रू टीचर कैसे ESD मॉडल में अपना कंट्रीब्यूशन देती है। ये हमारा ब्लू है। ब्लू वाले का इजी याद करने का तरीका है, वो टीचर डिपेंडेंट है। नेक्स्ट हमारा है रेड वाला, जिसमें कॉम्पिटेंस आती है टीचर की। उसमें आता है टीचर से रिलेटेड, सबसे पहले आएगी टीचिंग, कि टीचर अपनी टीचिंग में ESD मॉडल को कैसे इनकॉर्पोरेट करती है, जो आगे स्टूडेंट्स पे रिफ्लेक्ट होता है। उसके बाद आता है रिफ्लेक्टिंग विजन, जो टीचर का विजन है वो कैसा है, ब्रॉड माइंडेड है, नैरो माइंडेड है, ESD के रिलेटेड कैसा है। ये विजन हमारा टीचिंग से रिफ्लेक्ट होता है। ये सारे इंटरकनेक्टेड है, रेड वाले आपस में, रेड ब्लू के साथ। और थर्ड रेड वाले में आता है नेटवर्किंग, कि टीचर अपना नेटवर्क कैसे सेटअप करती है या करता है, जिससे हमारा जो मॉडल है, हमारे व्यूज है, आइडियाज है, कैसे ये सोसाइटी में आगे रिफ्लेक्ट करते हैं और वो कैसे यूज होते हैं। नीचे ब्लू ट्रायंगल की हमने मीनिंग लिखा हुआ है, जो प्रोफेशनल डायमेंशन है। वी हैव टू मूव बियॉन्ड द आइडिया ऑफ अ टीचर एज एन इंस्ट्रक्टर, जो हमने एज एन इंडिविजुअल किया था। वी रादर हैव टू इन्वेसेज टीचर्स एज एन इंडिविजुअल्स हु आर डायनामिक, हु आर इन डायनामिक रिलेशन विद देयर स्टूडेंट्स, कलीग्स, वाइडर सोसाइटी। ये आगे हमारा सोसाइटी से कनेक्ट होता है, और जो कलीग्स है वो हमारे इंस्टीट्यूशन से जुड़ते हैं। ये हमारा ब्लू ट्राइंगल है, जिसमें सारा टीचर रिलेटेड है, टीचर की कॉम्पिटेंसीज है। सेंटर में हमने डायग्राम के 5 वो दिए हुए हैं, कॉम्पिटेंसीज है जो हम इस मॉडल में डिस्कस करेंगे। वो है वैल्यूज एंड एथिक्स, इमोशंस, सिस्टम थिंकिंग, नॉलेज और एक्शन। ये प्रोफेशनल जो है हमारा डायमेंशन ब्लू वाला, और ओवरऑल कॉम्पिटेंसीज है रेड वाला। ये सारा इसको ज्वाइन होता है, ये 5 जो कॉम्पिटेंसीज है इसमें। ठीक है, किसी को डाउट है तो हम मीनिंग करें। ब्लैंक ब्लैंक है बच्चे, पूछ लो अगर कोई डाउट है किसी को। ठीक है, ब्लू का मीनिंग ये है, रेड में हमारी आती है टीचिंग, रिफ्लेक्टिंग या विजन जिसको हम कहते हैं, और नेटवर्क आता है। ठीक है, अब ये कैसे कंबाइन होते हैं, वापस एक बार डायग्राम पे आते हैं। ये होते हैं, जैसे हम फर्स्ट वाला पहले लेते हैं, टीचर इन अ सोसाइटी और नीचे नेटवर्क, एक ब्लू का पॉइंट और एक रेड का पॉइंट जो आमने सामने है। टीचर इन अ सोसाइटी, सोसाइटी में वो नेटवर्क्स क्रिएट करती है, क्या करता है, तो उससे हमारा ESD के जो थॉट्स, व्यू, प्रोसेसेस है, वो सारे हम वो करते हैं, शेयर करते हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और टीचिंग ऑपोजिट कॉर्नर्स में है। टीचिंग ऑब्वियसली, अगर एक टीचर टीच कर गया, वो किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का पार्ट है या किसी और इंस्टीट्यूशन का पार्ट है, जिसके थ्रू वो रिफ्लेक्ट होता है। और इस तरफ है इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का आगे उसके ऑपोजिट है विजन। ये ब्लू और रेड ट्रायंगल्स ऐसे कनेक्ट होते हैं, इंटरलिंक ऐसे होते हैं। जो इंडिविजुअल है उसके जो विजन्स है, जो उसकी रिफ्लेक्शंस है ESD के लिए, वो ऐसे कनेक्ट होता है। हमारे एग्जांपल में भी यही है। फर्स्ट कॉम्पिटेंस नीड्स टू प्रमोट मोर ऑफ अ बैलेंस्ड डायलॉग बिटवीन टीचर्स, लर्नर्स एंड बिटवीन द लर्नर्स देमसेल्व्स। दिस मीन्स
that the traditional tasks undertaken by the teachers, such as teaching, instructing, communicating, will change as ESD develops. Besides the communication within the educational institutional, publication of projects and efforts are crucial so that the parents and community is invited to take the part. टीचर ने हमने ब्लू ट्राइंगल में जैसे किया था, ब्लू ट्राइंगल में टीचर ने सोसाइटी इंस्टीट्यूशन के थ्रू सोसाइटी लिंक लिया, जिसमें स्टूडेंट्स, कलीग्स, पेरेंट्स सारे कंजॉइन हो गए. नेक्स्ट उसका एग्जांपल सेकंड कॉम्पिटेंसीज के लिए विजन कैसे क्रिएट किए और विजन कैसे रिफ्लेक्ट किए. ठीक है, तो बेसिकली ये एक इंटरडिसिप्लिनरी टीम है जिसमें हमने ब्लू ट्रायंगल और रेड ट्रायंगल ऐसे जॉइन करे हैं कि उनका मीनिंग आ गया, कि एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल को जॉइन करके, कंजॉइन करके क्या मीनिंग देता है. ठीक है, हमने ये हाउ टू रीड अ मॉडल मैंने अभी समझाया है, इसको एक बार रीड करूं या आप रीड करोगे कोई, या डोमेन्स पे चले सीधा, ये भी बता दो. हाँ ठीक है बच्चे, ये तो हो ही गया है ना, आपने बता ही दिया कि कैसे रीड करना है, हमने सामने वाले रीड करने हैं, है ना. हाँ जी, हाँ चलो आगे चलो, फिर डोमेन्स पे चलते हैं. जो हमने पूरे डायग्राम के सेंटर में करी थी, ये वो अब डोमेन्स आ गई हैं. फाइव डोमेन्स है. हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं नॉलेज. नॉलेज का जो हमारा बेसिक मीनिंग होता है, जो फैक्ट्स, कंसेप्चुअल, एक्चुअल, एक्शन रिलेटेड नॉलेज, वो बेसिक मीनिंग है. ठीक है, इसमें हमें बेसिकली ईएसडी से रिलेटेड नॉलेज होनी चाहिए कि एक्चुअली ईएसडी होता क्या है. नॉलेज हैज टू रिलेट टू टाइम. ईएसडी से रिलेट कर रहे हैं तो हमें प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों पता होना चाहिए, एंड स्पेस, लोकल, ग्लोबल, एंड इट इज इंटर, ट्रांस, क्रॉस डिसिप्लिनरी कंस्ट्रक्टेड. जो हमारा डिसिप्लिन है उससे ट्रांस, बाकियों से, क्रॉस किसी और सब्जेक्ट से, और इंटर आपस में भी लिंक होना चाहिए. द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ नॉलेज विल बी अप्लाइड बाय द टीचर्स. कंटेंट नॉलेज, हमें हमारे कंटेंट की नॉलेज होनी चाहिए कि उसमें क्या थ्योरीज, प्रिंसिपल्स, कंसेप्ट्स जो हमारे डिसिप्लिन में है वो क्या है. हमें बेसिक आइडिया होना चाहिए हमारे सब्जेक्ट के बारे में. नेक्स्ट इज पेडागॉजिकल नॉलेज. जो सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं, जो हमारी पेडागॉजी है, जिस सब्जेक्ट की हमारी पेडागॉजी है, हमें उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि उसमें हम क्या इंस्ट्रक्शनल मेथड्स यूज कर सकते हैं और हमारी क्या टेक्निक्स या वेज हो सकते हैं, क्योंकि सारे इंस्ट्रक्शनल मेथड्स सारे सब्जेक्ट्स पे एप्लीकेबल नहीं होते. नेक्स्ट इज पेडागॉजिकल कंटेंट नॉलेज. इसको हम PCK भी बोलते हैं. ये यूनिक हर टीचर पे डिपेंड करता है, क्योंकि हर टीचर का पढ़ाने का अपना मेथड बिल्कुल डिफरेंट होता है. इसमें ये होता है कि टीचर के पास, हमारे पास कंटेंट होता है, हमारे पास टेक्निक्स होती है. इसमें ये है, हम दोनों को ज्वाइन करके उसको जो कहते हैं अपना कैसे बना सकते हैं, कि हाँ ये टॉपिक मेरा था, मैंने इसमें अपनी तरफ से ये डाला है. इसमें ये चीज है, ट्रांसफॉर्म एंड रिप्रेजेंट सब्जेक्ट कंसेप्ट एंड आइडियाज इन सच अ वे दैट दे मेक सेंस टू देयर पीपल्स. बेसिकली उसको इस तरीके से हमने प्रेजेंट करना है कि सामने वाले के लेवल का हो और सामने वाले को इजीली समझ आ जाए. ठीक है, इसके बाद है हमारी कॉम्पिटेंसीज रिलेटेड टू नॉलेज. हमने जो पीछे मॉडल किया था उसमें हमने तीन ट्राइंगल, थ्री कॉर्नर्स थे ट्राइंगल के, तो इसमें भी ऐसे ही है. हम थ्री हेडिंग्स लेंगे मिनिमम, उसके अंडर पॉइंट्स आएंगे. तो नॉलेज हमारा टीचर एज अ, नॉलेज हमारा जो कनेक्ट हो रहा है वो फर्स्ट हो रहा है टीचर एज अ गाइड ऑफ लर्निंग प्रोसेसेस. ठीक है, इसमें आगे फर्दर पॉइंट्स है. ओके, इसका फर्स्ट पॉइंट, टीचर इज एबल टू रिक्वायर रेलिवेंट नॉलेज. ऑब्वियसली ये मिलते जुलते होंगे ऑलमोस्ट सारे. तो लर्निंग प्रोसेसेस के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होता है लर्निंग कंटेंट. तो जब हम रेलिवेंट
और प्रॉपर कंटेंट हम किसी इशू या किसी टॉपिक से रिलेटेड स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली तभी उनका इंटरेस्ट पड़ेगा. हमारे पास अगर किसी चीज के बारे में जैसे हमें बोला कि आप इस पे रेडी करो, एक सेमिनार या कुछ, एक स्पीच या आर्टिकल इस पे रेडी करो, हमारे पास जब तक कंटेंट नहीं होगा उससे रिलेटेड हमारे तब तक इंटरेस्ट नहीं पहुंचेगा, मतलब होगा, मतलब बेसिक हमें बेसिक नॉलेज उसके बारे में होनी चाहिए. नेक्स्ट इज द टीचर हैज मास्टर्ड एसडी कॉन्सेप्ट्स एंड नॉलेज. एसडी नॉलेज और कॉन्सेप्ट के बारे में जब तक हमें प्रॉपर नॉलेज नहीं होएगी या हमारे प्रॉपर जो हमारे क्वेश्चंस है, डाउट्स है, सारे क्लियर नहीं होएंगे तब तक हम किसी को आगे नहीं पढ़ा सकते. क्योंकि कोई हमें जब क्रॉस क्वेश्चन कर लेता है और गलती से क्रॉस क्वेश्चन ही वो करे जिस चीज पे हमें डाउट था, तो फिर वो ना पढ़ा के मजा आता है और आगे वाला भी, सामने वाला भी ये कह देता है इनको खुद ही नहीं आता. तो इसलिए पहले हमें अपने सब्जेक्ट पे मास्टरी होनी चाहिए. और इसमें नेक्स्ट है, हम जितना नॉलेज को एनवायरनमेंट और अपनी लोकल सिचुएशन के साथ हम जितना कनेक्ट करेंगे ना, स्टूडेंट उतना कनेक्ट होता है पढ़ने के लिए. कल्चरल हेरिटेज एंड इज एबल टू क्रिटिकली रिफ्लेक्ट ऑन इट. जितना मैंने लोकली, मतलब हम जो भी एग्जांपल्स देते हैं, हम ऐसे एग्जांपल्स देते हैं जिस जो उनको पता हो और जिन पे वो रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, ताकि वो इजी रहता है कि वो उस पे कनेक्ट करेंगे तो उनको भी हाँ, याद जब करेंगे तो उनको याद रहेगा ये एग्जाम्पल दी थी, इसके साथ कनेक्ट किया था. फिर सबसे इम्पोर्टेंट है कि टीचर को डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए फैक्चुअल नॉलेज और ओपिनियंस पे. ये सबसे जरूरी होता है क्योंकि कई बार हम जब एग्जाम्पल्स देते हैं ना, स्टूडेंट्स उस एग्जाम्पल को कोट कर देते हैं, एक्चुअल नहीं लिखते, सिर्फ वो एग्जाम्पल कोट कराते हैं. तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारी फैक्चुअल नॉलेज है, हमारे ओपिनियन से वो थोड़ी डिग्रेस ना हो जाए. कि मैं जैसे वन साइडेड हूँ, मेरे को किसी चीज पे बहुत स्ट्रांगली बिलीव है, ये ना हो कि मेरा वो स्ट्रांग बिलीव स्टूडेंट पे रिफ्लेक्ट करे. उसको एक्चुअल नॉलेज होनी चाहिए, फिर वो अपने बिलीफ बनाए या वो अपनी ओपिनियन स्टेट करे. नेक्स्ट इज द टीचर इज एबल टू सिलेक्ट एजुकेशनल गोल्स फॉर एसडी, टेकिंग इन टू अकाउंट फॉर द डेवलपमेंट स्टेज एंड द प्रायर नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स. हम इसका सिंपल एग्जाम्पल है, हम जब लेसन प्लान बनाते हैं उसमें हम एम्स ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं, ठीक है. उसके बाद हम आते हैं कि क्या हमने पढ़ाना है, और उसके बाद हम करते हैं पीके टेस्टिंग. पीके टेस्टिंग हम बेसिकली इसलिए करते हैं ताकि हमें पता चले कि स्टूडेंट का बैकग्राउंड क्या है. उस बैकग्राउंड को लेके हम नई चीज की तरफ जाए, वो जो हमारा प्रिंसिपल भी होता है, नोन टू अननोन, इसमें बेसिकली वही है, ठीक है. नेक्स्ट इज द टीचर इज एबल टू लोकली लो आइडेंटिफाई लोकली एंड ग्लोबली रेलिवेंट इश्यूज टू कनेक्ट टू द लोकल एंड ग्लोबल एस्पेक्ट्स. ये हमने पहले भी डिस्कस किया था. इसमें वही है कि हम जितना स्टूडेंट के नोन से अननोन की तरफ जाएंगे वो उतना कनेक्ट होते जाएंगे, क्योंकि लोकली उनको भी पता है क्या प्रॉब्लम्स है क्या नहीं है. तो वहां से कनेक्ट होके जब वो बिगर इशू पे जाएंगे तो वो धीरे धीरे कनेक्ट करेंगे और वो एक लैडर की स्टेप बन जाएगी, कि उनको भी इजी हो जाएगा कि हाँ ये चीजें हमें पता है, ये ऑन लार्जर स्केल कहाँ कनेक्ट होता है. नेक्स्ट इज जो हमारा सेकंड उसका ट्रायंगल का पार्ट है, टीचर एज अ मेंबर ऑफ स्कूल एंड एजुकेशनल कम्युनिटी. जो हमारा राइट साइड को था, द टीचर रिक्वायर्स सफिशियंट नॉलेज ऑफ रेलिवेंट इश्यूज, ये हमने ऊपर किया. इन ऑर्डर टू कॉन्ट्रीब्यूट, जो नॉलेज और हमने सारे फैक्ट्स वगैरह कलेक्ट किए, ये आगे एजुकेशनल कम्युनिटी को कैसे सपोर्ट करेगा. बेसिकली एजुकेशनल कम्युनिटी को चाहिए एक करिकुलम जिसके बेस, हमें पहले सिलेबस देते हैं, हम उस सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक्स ढूंढते हैं या कंटेंट ढूंढते हैं. इसमें भी यही है कि जो हमारी नॉलेज और वो है उससे एक करिकुलम कंस्ट्रक्ट होता है जो एसडी को पूरे स्कूल करिकुलम के साथ कनेक्ट करता है. उसमें ऊपर हमने ये भी पढ़ा था, ट्रांस इंटर क्रॉस डिसिप्लिनरी. इसका थर्ड पार्ट है जो टॉप पे था, सोसाइटी.
टीचर इज एबल टू फाइंड पार्टनर्स आउटसाइड द स्कूल कम्युनिटी एंड कोऑपरेट विद ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट. जो हमारे इसमें बेसिकली इसका सिंपल एग्जांपल है, जो हम छोटे छोटे ट्रिप्स वगैरह प्लान करते हैं कि हम कुछ सीखने के लिए, हमें इजी रहता है कि अगर हमें किसी चीज का विजुअल दिया जाए वो हमें इजी रहता है कनेक्ट करने को, रादर देन द थ्योरी. थ्योरी में हम पढ़ी गए पर हमारे पास कोई विजुअल पिक्चर नहीं है उसके रिलेटेड. तो एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी में ये चीज होती है कि हम सोसाइटी के साथ कनेक्ट हुए तो फिर छोटे छोटे ट्रिप्स प्लान किए जहाँ जाके हमने देखा कि हाँ ये चीज हमारी, हमने अपनी नॉलेज वहां अप्लाई करी या हमने देखा कि क्या प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं. ये क्लियर है? नेक्स्ट इज सिस्टम थिंकिंग. सिस्टम थिंकिंग इज अबाउट गेनिंग इनसाइट्स इनटू द वर्ल्ड बाय अंडरस्टैंडिंग द लिंक्स एंड इंटरैक्शंस बिटवीन द एलिमेंट्स दैट कंप्राइज द होल सिस्टम. एक सिस्टम पूरा फुली बनने के लिए उसको लिंक्स चाहिए होते हैं. जैसे हम टोटल एक मशीन बनाते हैं, मशीन के छोटे छोटे पार्ट्स कनेक्ट होते हैं फिर पूरी मशीन बनती है. इसमें भी यही है कि छोटे छोटे लिंक्स इंटरैक्शंस जो एलिमेंट्स के होते हैं वो सारा कंट्रीब्यूट करके एक सिस्टम बनता है. सिस्टम थिंकिंग विच लिंक्स नॉलेज टू लार्जर कॉन्टेक्स्ट एंड हेल्प्स अस टू सी द डायनामिक, टू सी इट इन अ डायनामिक वे. As a tool for women making decisions and taking actions, however, it is useful when it is linked to the values in ethics. System thinking basically जो हमारे ये पांच competencies है उसमें उसका link है. ये values and ethics हम आगे करेंगे. अभी ये knowledge को कैसे इन सारी चीजों से connect करता है. ठीक है. The four basic dimensions of system thinking according to Ozimuth 2000 are relational thinking. Relational thinking में basically है कि उसका relation कैसे बनता है. Obviously हमने कहा है कि links और connections है ये, तो इसमें relation कहाँ पे आता है. Considering the indirect effects. फिर है dynamic thinking, वो bigger to smaller वाला. Dynamic में है कि उसका larger picture कैसे पता चलता है. थिंकिंग इन टू मॉडल्स. मॉडल्स और नेटवर्क में हम, जब हमें पता है कि एक चीज यूनिवर्सल ट्रूथ है, फॉर एग्जाम्पल एक्सेप्शन छोड़ के, फॉर एग्जाम्पल एज द प्राइज राइज, जैसे लॉ ऑफ डिमांड है उसमें हमें पता है कि हमारी प्राइज राइज करेगी तो डिमांड गिरेगी. तो जब हमें पता चल जाता है कि ये ऑलमोस्ट सारी सिचुएशन में सिमिलर है तो हम उसको एक मॉडल की तरह या एक लॉ की तरह प्रेजेंट कर देते हैं. तो जब हमें ईएसडी में भी पता चल जाता है कि ये चीजें ट्रू है, जैसे डिफॉरेस्टेशन हमें ग्लोबल वार्मिंग में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है, तो हम उसको एक फैक्ट की तरह प्रेजेंट करते हैं. तो इसमें थिंकिंग इनटू मॉडल्स में भी यही है कि ये पता है कि ये चीज ट्रू है तो हमने उसे फैक्ट की तरह फिट कर दिया. नेक्स्ट इज गोल. ऑब्वियसली हमारा कोई गोल होगा तो हम इतने स्टेप्स लेंगे. लैडर सिस्टम. लैडर में भी यही होता है कि हमने टॉप तक जाना है तो हम नीचे वाले स्टेप्स चलते हैं, तो उसी हिसाब से हम गोल सेट करते हैं. अब ये भी आगे कॉम्पिटेंसीज है, ये भी थ्री टाइप्स से, थ्री कॉर्नर से है. इसमें आएगी पहले इंडिविजुअल रिफ्लेक्शन. इंडिविजुअल रिफ्लेक्शन हमारा वापस उसी में ही था, ब्लू ट्राइंगल में. टीचर हैज एन इंडिविजुअल, एज एन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल रिफ्लेक्शन से कनेक्ट कर रहा है. ब्लू ट्राइंगल रेड से इसमें इंटरैक्ट कर रहा है, ऑपोजिट कॉर्नर्स वाला. द टीचर इज एबल टू थिंक इनटू द मॉडल्स एंड पैटर्न्स. ऊपर हमने जो चार वो करी थी, चार डायमेंशंस करी थी, इसमें चार डायमेंशंस ही वो फिर से एक्सप्लेन्ड है. इसमें है कि जो टीचर है वो रिफ्लेक्ट अपनी नॉलेज को सोचता किस हिसाब से, पैटर्न्स में, मॉडल्स में, रिलेशन कैसे वो डेवलप करता है जो आगे उसको हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग और एक्शन में. इट रिक्वायर्स वेल डेवलप्ड इमेजिनेटिव स्किल्स.
बेसिकली उसमें इतनी इमेजिनेटिव स्किल्स होनी चाहिए कि वो अपने थॉट्स और उसको एग्जांपल्स की तरह प्रेजेंट कर सकता है. नेक्स्ट इज वो डिफरेंट सिचुएशंस या इश्यूज में वो मॉडल्स को अप्लाई कैसे करता है. फैक्चुअल नॉलेज होना ही सिर्फ जरूरी नहीं है, उस नॉलेज को हमें प्रेजेंट करना, यूज करना भी आना चाहिए. उसके नेक्स्ट वाला पॉइंट भी यही है कि वो डिफरेंट सिस्टम्स को सोसाइटी में कैसे यूज करता है, बेसिकली कि वो रोल क्या प्ले करता है, व्हाट रोल ही हैज टू प्ले इन द सिस्टम्स इन द सोसाइटी. उसको ये पता होना चाहिए कि उसका फंक्शन, उसका रोल क्या है. द टीचर इज एबल टू रिजिस्ट द टेंडेंसी टू सिंप्लीफाई प्रॉब्लम्स एंड टू लुक फॉर अ क्विक सॉल्यूशंस. ही होल्ड्स द अटेंशन ऑफ द पैराडॉक्स एंड कंट्रोवर्सी एंड लुक्स एट द लार्जर कॉन्टेक्स्ट. इसमें वही था जब हमने नॉलेज में किया था कि फैक्ट्स और ओपिनियंस में डिफरेंशिएट करना आना चाहिए. इसको बेसिकली जो कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स है उसको पता होना चाहिए ये कहाँ कहाँ से कि नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं, कि कहाँ कहाँ बच्चे फंस सकते हैं. तो इसके प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, ये लिंक क्रिएट करना है. नेक्स्ट इज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और कम्युनिकेशन में. ये भी ट्राइंगल का कॉर्नर्स ज्वाइन होते हैं. इसमें कम्युनिकेट बेसिकली इंस्टीट्यूशन इंस्टीट्यूट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टीचिंग और कम्युनिकेशन का रोल है कि ये कैसे आपस में इंटरैक्ट करते हैं. जो पेडागॉजिकल वर्क होता है प्रॉपर हर सब्जेक्ट में, उसमें जो उसको इंटरैक्ट कैसे करना है. द टीचर विच इज पेडागॉजिकल वर्क इन एवरी सब्जेक्ट इज बेस्ड ऑन सर्चिंग फॉर रिलेशनशिप्स, मल्टीपल इन्फ्लुएंसेस एंड इंटरैक्शन सच एज फीडबैक लूप्स और डायनेमिक्स ओवर टाइम, फाइंडिंग वेज ऑफ एक्सप्लेनिंग देम एंड इनविजिबल. बेसिकली हमने सब्जेक्ट में जो हम एक टॉपिक लेते हैं वो टॉपिक को कनेक्ट करते हैं हम विद द आउटसाइड वर्ल्ड, ताकि आउटसाइड वर्ल्ड से कनेक्ट करने का ये फायदा होता है कि स्टूडेंट उससे रिलेट कर पाता है और इन फ्यूचर वो वापस सोसाइटी में कॉन्ट्रीब्यूट करता है. नेक्स्ट है एक टीचर का, एक टीचर को जो एक इश्यू है या कोई प्रॉब्लम है सोसाइटी में, वो वन साइडेड होके ही नहीं देखनी चाहिए, और स्टूडेंट को भी आगे यही सिखाना चाहिए कि एक प्रॉब्लम को डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखे. इससे ये फायदा होता है कि एक माइंडेडनेस होती है और स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन होता है सोसाइटी में. द टीचर इज एबल टू सपोर्ट द स्टूडेंट्स इन कंफ्रंटिंग एंड अप्रिशिएटिंग डाइवर्सिटीज. हमने ये डाइवर्सिटीज पढ़ी थी कि कितनी डिफरेंसिएशन, कितनी वैरायटी है हमारी सोसाइटी में. तो ऑब्वियसली इतना ओपन माइंडेड और ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए स्टूडेंट को कि वो डाइवर्सिटीज को समझे, अप्रिशिएट करे. कोई वो नैरो माइंडेड वाला ना हो कि नहीं मुझे मेरा ही पसंद है, बाकी तरफ ब्लाइंड साइड कर दे. ये बेसिकली उसके मेंटल होराइजन को ब्रॉडन करने का एक तरीका है. नेक्स्ट इज एबल टू फॉस्टर द स्टूडेंट्स इनसाइट. मेंटल होराइजन ब्रॉडन होगा तो उसकी इनसाइट्स भी ब्रॉडन होगी. वो एक्सप्लोर करेगा इंटरेस्ट के साथ, अपना इंटरेस्ट उसका खुद का कल्टिवेट होएगा, और वो खुद जो प्रॉब्लम्स होएगी या कोई सिचुएशंस होएगी उसमें खुद वो अपने आइडियाज या सॉल्यूशंस देगा. ये सारा वही है, पूरा पॉइंट ही ऑलमोस्ट सिमिलर है. इसमें फिर उस आइडियाज देगा, सॉल्यूशंस देगा, फिर वो खुद एक्शन लेगा उससे रिलेटेड किसी प्रॉब्लम या सिचुएशन से रिलेटेड जो हमारी सोसाइटी में हो रही है. नेक्स्ट इज द स्टूडेंट एबल टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू फेस एम्बिग्विटी, अनसर्टेनिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी एंड नॉट टू बी फेस्ड बाय इट. फेस्ड आएगा यहाँ पे. स्टूडेंट्स टू रिफ्लेक्ट ऑन देमसेल्व्स एंड देयर एनवायरमेंट, टू लुक फॉर डिफरेंट सॉल्यूशंस, टू टेक डिसीजंस, टू इलेबोरेट प्लान्स एंड रियलाइज एक्शंस इवन इफ द सक्सेस इफेक्ट इज नॉट विजिबल राइट अवे. उसी ऊपर वाले पॉइंट का ही काइंड ऑफ सम अप है कि इसमें वो प्रॉब्लम देखी,
उस पर रिफ्लेक्ट किया, उसके लिए सोल्यूशन सोचे, फिर उसके लिए डिसीजन लिया और एक्शन लिया. ये वही लैडर के स्टेप्स वाला काम ही है. नेक्स्ट इज टीचर इन द सोसाइटी. सोसाइटी से कैसे उसने नेटवर्क क्रिएट किया. द टीचर इज एबल टू यूज वाइजली एग्जिस्टिंग लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल नेटवर्क्स फॉर ESD टू गेन मोटिवेशन, एक्सचेंज एक्सपीरियंस एंड पर्सपेक्टिव. इसका सबसे सिंपल एग्जाम्पल है, अगर हम हमारा टॉपिक ESD है, ESD से हम रिलेटेड जो हमें प्रॉब्लम्स फेस हो रही है वो हम पहले लोकल लेवल में देखेंगे. लोकल लेवल की जब हम प्रॉब्लम्स देखी, उसके बारे में सोचा, रिफ्लेक्ट किया, फिर वो हम देखेंगे कि वो प्रॉब्लम नेशनल लेवल पे किस स्टेज पे है. ये कनेक्टिविटी आएगी, सिस्टम थिंकिंग का ये लिंक है. तो जब हम देखेंगे कि नेशनल लेवल पे भी इसी टाइप की प्रॉब्लम्स है, मतलब ये रिलेट कर रही है, फिर हम इसको देखेंगे कि इंटरनेशनल लेवल पे भी, नेटवर्क पे भी कैसे कनेक्टिविटी आती है इसकी. ये बेसिकली हमने लिंक्स बनाए हैं इसमें लेवल्स के थ्रू. द टीचर इज अवेयर दैट स्कूल इज अ पार्ट ऑफ लोकल, नेशनल, ग्लोबल सिस्टम. ये अब हमने स्कूल को इसी सिस्टम के साथ ज्वाइन की है, इन्हीं लिंक्स में डाला है कि स्कूल हमारा लोकल लेवल पे है, फिर जब हम किसी कॉम्पिटिशन वगैरह के लिए स्टेट लेवल पे जाते हैं वो आगे कनेक्ट हुआ, वो स्टेट लेवल से जब हम आगे जाते हैं नेशनल लेवल पे लिंक हुआ. ये बेसिकली इसमें लिंक्स बनाए हैं. इसमें टू अंडरस्टैंड देयर कॉज, ओरिजिन एज वेल एज स्ट्रैटेजीज टू कोप अप विद देम. द टीचर इज अवेयर दैट सिस्टम थिंकिंग इज नॉट येट जनरली अंडर फोन इन सोसाइटी एंड लुक फॉर द वेज ऑफ कम्युनिकेटिंग सिस्टम थिंकिंग थ्रू ESD की अगर कोई भी कन्वेंशन बैठती है, चाहे इंटरनेशनल लेवल पे हो या नेशनल लेवल पे हो, वो बहुत आराम से आजकल के टाइम पे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं. हम इसको जैसे हमारी अब क्लासेस लग रही है थ्रू गूगल मीट, वैसे ही हम किसी गूगल मीट या जूम मीटिंग के थ्रू लाइव हम ज्वाइन कर सकते हैं. इनकेस लाइव नहीं ज्वाइन कर सकते, उसकी जो वीडियोग्राफी हुई होगी वो हम लिंक्स एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं, यूट्यूब पे दे सकते हैं या इंस्टाग्राम या कहीं पे भी हम ये चीज देख सकते हैं. तो बेसिकली हमारा जो कम्युनिकेशन का चैनल है वो बहुत ही इम्प्रूव हुआ हुआ है, जिससे हमारे लिंक्स कंप्लीट हो रहे हैं. इसका लिंक्स का थर्ड पोर्शन है, अभी हमने नॉलेज किया, फिर हमने लिंक बनाए. अब ये लिंक से हम कॉम्पिटेंसीज कैसे ज्वाइन करेंगे वो नेक्स्ट है हमारा. बस बच्चे हम दो ही करेंगे आज, हमने आज दो कौन कौन से करे हैं, नॉलेज एंड सिस्टम थिंकिंग, है ना. हाँ जी हाँ, ये थर्ड वाला हम नेक्स्ट टाइम कल करेंगे क्लास में.